हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज के कंपैरिजन वीडियो में हम तीन बैटल्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये तीनों ही बैटल्स बहुत ज्यादा कूल कैरेक्टर्स के बीच में है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मॉब साइको वर्सेस साइतामा के बीच के कंपैरिजन को, एंड इनके बीच की सिमिलैरिटी ये है कि ये एक ही एनिमेशन स्टूडियो के अंदर बनी है और एक ही राइटर ने इनको क्रिएट करा है। तो देखते हैं किस कैरेक्टर को ज्यादा पावर्स दी गई है, एंड देन हम बैटल देखने वाले हैं एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस वर्सेस प्रोटेजी के बीच में। वेल, मुझे इन दोनों की पावर्स लगभग सेम लगती है, एंड इनके फीट भी ऑलमोस्ट सेम ही है एंड काफी बड़े फीट है। तो देखते हैं दोनों के बीच में कौन ज्यादा पावरफुल है, एंड देन बैटल होने वाली है अल्टीमेट एलियन एक्स वर्सेस आर्कन के बीच में। और अल्टीमेट एलियन एक्स एंड आर्कन दोनों ही नॉन कैनन है। वैसे आर्कन एंड नॉर्मल एलियन एक्स के बीच में आर्कन डेफिनेटली बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट यहां पर एलियन एक्स का पावरफुल फॉर्म है, लाइक अल्टीमेट एलियन एक्स है। तो देखते हैं भाई बैटल किस तरह की रहने वाली है एंड कौन बैटल को विन करेगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है या फिर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो एंड डेफिनेटली मुझे डीएम वगैरह कर सकते हो, सभी को वहां पर रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। और क्या ही चाहिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं मॉब साइको वर्सेस साइतामा के बीच के कंपैरिजन की। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं मॉब साइको की पावर्स की। वेल, अगर तुम इसको इसके यूनिवर्स का साइतामा कहो तो कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज इसके सीरीज के अंदर इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। मॉब साइको की मेन पावर वैसे टेलीकिनेसिस है, बट इसके यूनिवर्स के अंदर ना ऐसी पावर्स को ऐसे परसेंटेज में एंड इमोशंस के हिसाब से दिखाया जाता है, और इसकी जो मेन पावर है वो डिपेंड करती है इसके इमोशंस पे। वैसे नॉर्मली मॉब जो है वो अपने 30-40% में रहता है और 0% में वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह होता है, और उसकी जो फिजिकल पावर्स है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह, इसमें वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बहुत ज्यादा वीक है। बट वही कहा ना मैंने, परसेंटेज के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी बाकी पावर्स इंक्रीज एंड डिक्रीज करती रहती है। तो हाँ, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। मॉब जब अपने 100% में होता है तो इजिली उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट मॉब 100% में पूरा फोकस अपने ओपोनेंट के ऊपर देता है जिसने उसको गुस्सा दिलाया रहता है, ठीक है। और फिर अपने ओपोनेंट को वैसे धोता रहता है एंड 100% में वो अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड लिटरली उसका एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्टेट भी है, जो कि उसका अननोन परसेंटेज या फिर क्वेश्चन मार्क इसमें जाने के बाद उसकी पावर्स लिमिटलेस हो जाती है। एक बार तुम इस बंदे की शक्ल देखो, लिटरली भाई एनिमे का सबसे पावरफुल बींग बन जाता है, एंड इसको सिर्फ 2 बार दिखाया गया है एनिमे के अंदर। और इसके अंदर जाने के बाद ना वो लिटरली बिना अपनी जगह से ही ले एक पूरी बिल्डिंग को ऐसा डिस्ट्रॉय कर चुका है सिर्फ देखने भर से। वेल, ये चीज सुनने में इतनी ज्यादा कूल नहीं लगती है, बट सही में बता रहा हूँ भाई, तुम एक बार इसको एनिमे के अंदर देखो भाई, तबाही लगती है ये चीज। एंड अभी मॉब अपने एटमॉस्फेयर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इवन वो अपने आसपास के कैरेक्टर्स की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। मॉब ने पूरे मेंटल वर्ल्ड को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, सही में बता रहा हूँ, ये चीजें देखने में बहुत कूल लगती है। और मॉब ने 100% में जाने के बाद अपने ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से धोया है, तो खुद ही सोच लो अननोन परसेंटेज में जाने के बाद वो बंदा क्या ही कर लेगा। वेल, उसको अभी साइतामा के सामने इस स्टेट की जरूरत जरूर पड़ने वाली है, तो अभी देख लेते हैं इसके ओपोनेंट की पावर्स को। वेल, आपको साइतामा की बहुत सारी पावर्स ऑलरेडी पता रहेगी, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना, स्पीड। साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने ओपोनेंट्स को सिर्फ एक ही पंच में एक्सप्लोड कर देता है, उनको मार देता है, कोई भी उसके एक पंच को सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसके पास उसका एक सीरियस पंच है जिसको कि लिटरली उसके यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बींग लॉर्ड बोरोस भी सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो मॉब साइको क्या ही है, लेट्स सी कि वो क्या करेगा अभी, लाइक उसकी सिटिविटी गुल होती है या नहीं होती है। और साइतामा मतलब इतना बोर हो चुके अपनी पावर से कि उसको सपने में वर्दी ओपोनेंट्स दिख रहे होते हैं, बट रियलिटी में साइतामा के सामने कोई भी नहीं कर सकता है भाई, लाइक कैरेक्टर्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। साइतामा के डेथ पंच की शॉक वेव इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सिर्फ शॉक वेव यार, सीरियसली। एंड हमने कभी भी साइतामा के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते हुए नहीं देखे है, उसको दुख, दर्द, गम, हंसी, खुशी, इन सब चीजों का पता नहीं है अभी। साइतामा ने मून से अर्थ तक के डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड्स में कवर कर लिया था, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, लिटरली अपनी सीरीज के सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर को भी वो आराम से हरा चुका है। चलो देखते हैं कि लाइक एक ही क्रिएटर ने दोनों कैरेक्टर्स को क्रिएट करा है, तो क्या मॉब साइको को भी इतनी पावर्स दे दी गई है कि वो साइतामा के सामने खड़ सके या नहीं, ये चीज अभी पता लगी जाएगी। वेल, अगर ये दोनों ही कैरेक्टर आपस
में लड़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। साइतामा मॉब पसाइको के ऊपर अपने पंचेस मारेगा एंड मॉब अपने टेलीकिनेसिस पावर्स का यूज करेगा। वेल, अगर यहाँ पर मॉब की सारी लिमिटेशंस हट गई, उसके इमोशंस ऐसे पूरी तरह से बाहर हो गए, तो वो चला जाएगा अपने अननोन परसेंटेज में। और अगर एक बार इसमें चला गया तो डेफिनेटली साइतामा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी एंड इसमें जाने के बाद वो डेफिनेटली पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने एफर्ट्स में। तो अगर दूसरी तरफ अगर साइतामा की बात करें तो साइतामा ने अपने सीरियस पंच से उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग लॉर्ड बोरोस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरी तरह एक्सप्लोड कर दिया था। इवन कोई भी कैरेक्टर उसकी सीरीज के अंदर उसके नॉर्मल पंच को, उसके डेथ पंच तक को नहीं सर्वाइव कर सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है यहां पर मॉब साइको अगर अपने अननोन परसेंटेज में भी चला जाता है तो उसके पास इतनी ड्यूरेबिलिटी तो नहीं होगी कि वो साइतामा के सीरियस पंच को सर्वाइव कर लेगा। एंड मान लो अगर साइतामा ने एफर्ट लगा लिया ना, मॉब साइको गया काम से, तो हां डेफिनेटली इस बैटल का विनर साइतामा है। वेल, क्रिएटर एक ही है दोनों का, तो दोनों में से कोई भी जीतता है क्या ही फर्क पड़ेगा यार, एक ही एनिमेशन स्टूडियो में बने हैं तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, साइतामा इस बैटल का विनर है मेरे ओपिनियन से। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है प्रोटेजी वर्सेस एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस के बीच में। अगर हम इन दोनों की पावर्स को देखें तो दोनों की पावर्स लगभग सेम है। लाइक प्रोटेजी भी चीजों को कॉपी कर सकती है अपने ओपोनेंट या फिर किसी भी कैरेक्टर की पावर्स को कॉपी करके या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी एंड उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एंड दूसरी तरफ एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस था जिसने पूरे मार्वल यूनिवर्स की सारी कॉस्मिक एंटिटीज को, इवन लिविंग ट्रिब्यूनल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया था एंड पूरे मार्वल को हरा दिया था। और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में कौन सा पावरफुल है, तो पहले पावर्स देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो प्रोटेजी है वो काइंड ऑफ वन अबव ऑल ही है और ये हमें एक बच्चे की तरह अपीयर दिखा था और ये 691 यूनिवर्स से है। वेल, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है तभी तो मैंने इसको काइंड ऑफ वन अबव ऑल का मार्वल यूनिवर्स का। वेल, इसकी पावर्स है पावर्स को कॉपी करना या फिर पावर्स को एब्जॉर्ब करना। अगर मान लो इसके ओपोनेंट वाला कोई भी कैरेक्टर इसके सामने अपनी मेन पावर्स को यूज कर लेता है, लाइक टेलीपैथी, रियलिटी रैपिंग, टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन जैसी किसी भी बड़ी पावर को यूज कर लेता है, तो प्रोटेजी के पास वही पावर आ जाएगी बट प्रोटेजी उस पावर का फुल पोटेंशियल यूज कर पाएगी। कहने का मतलब वो ओपोनेंट की पावर्स का फुल पोटेंशियल यूज करके ओपोनेंट को हरा देगी क्योंकि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एंड इतना ही नहीं भाई, उसने पूरे ओमनिवर्स, लाइक मार्वल यूनिवर्स का जो ओमनिवर्स है जिसके अंदर इन्फिनिट रियलिटीज है एंड इन्फिनिट कॉस्मिक बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटेजी ने लिटरली बहुत सारी रियलिटीज को इरेज कर दिया था, बहुत सारे कॉस्मिक बींग्स को इरेज कर दिया था। इवन वो बियॉन्डर के साथ फाइट कर रही थी भाई, लिटरली बियॉन्डर ऐसे चौड़ में उसके साथ फाइट कर रहा था, अपनी पावर्स को यूज कर रहा था और प्रोटेजी ने जैसे ही उसकी पावर्स को देखा उसने उसको कॉपी करा एंड फुल पोटेंशियल भी यूज करके बियॉन्डर तक को हरा दिया था। बट फिर उसको थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया, अपने ऊपर घमंड आ गया, लाइक उसको वन अबव ऑल बनना था एंड फिर वो लिविंग ट्रिब्यूनल से जाकर के मिली एंड लिविंग ट्रिब्यूनल, वेल उससे लड़ा तो नहीं, वेल लिविंग ट्रिब्यूनल को पता था, उसने अपना दिमाग लगाया लिटरली, वो उसके साथ लड़ा नहीं, उसको पता था कि ये पावर्स को कॉपी कर सकती है, इसीलिए उसने स्कैथन द अप्रूवर सेलेस्टियल के साथ मिलकर के उसको कैद कर दिया एंड इसी तरह से प्रोटेजी का अंत हो पाया था भाई। और दूसरी तरफ अगर हम एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस की बात करें ना, तो उसका अंत तो नहीं दिखाया गया है क्योंकि कॉमिक के एंड में ऐसे बूम सा हो गया था, लाइक पता ही नहीं लगा भाई उसने क्या कर दिया। और उसका सबसे बड़ा फीट ये है कि उसने मार्वल यूनिवर्स की हर एक कॉस्मिक एंटिटी को, हर एक बींग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। लाइक एक बार इस बंदे की शक्ल देखो तुम, इसके अंदर तुम्हें कितने सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, लाइक इसने डेथ को, इटर्निटी को, इन्फिनिटी को, भाई हर एक सेलेस्टियल बॉडी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया था एंड उन सभी की पावर्स एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस के पास आ चुकी थी। इवन लिविंग ट्रिब्यूनल के सामने भी वो जाकर के खड़ चुका था एंड लगभग उसको भी अब्सॉर्ब कर लिया था, बिकॉज कॉमिक के एंड में तो कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा था ना। तो हाँ, एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस एंड प्रोटेजी बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं ना, ज्यादा चांसेस है प्रोटेजी के जीतने के। वेल, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेजी है वो चीजों को कॉपी कर सकता है और उनकी पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकता है, तो यहाँ पर वो एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस को ही कॉपी कर लेगा एंड एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस बन जाएगा एंड उसकी पावर्स को ही फुल पोटेंशियल पे यूज करके एस्ट्रो रेगुलेटर थानोस को हरा देगा। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है अल्टीमेट एलियनेक्स वर्सेस आर्कन के बीच में। देखो, आर्कन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास उसकी मेन पावर है डार्क सेफनिंग की। ये एक ऐसी पावर है, लाइक आर्कन के ओपोनेंट में कोई भी कैरेक्टर गॉड लाइक पावर्स का यूज कर रहा होगा तो आर्कन उन पावर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। आर्कन 5 इविल गॉड का एक फ्यूजन है जो कि एक नाइओमनीपोटेंट बींग है। आर्कन इतना ज्यादा पावरफुल था कि जीनो की जो ट्रू फॉर्म थी ना, वो भी आर्कन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, आर्कन पकड़ पकड़ के धो रहा था उनको एंड लिटरली आर्कन के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो कंटिन्यूसली सभी कैरेक्टर के साथ फाइट कर रहा था। एनिमी वॉर के अंदर हर एक नॉन कैनन कैरेक्टर था एंड लिटरली उन सभी कैरेक्टर्स को आर्कन ने पूरी तरह से डिफीट कर दिया था। आर्कन मल्टीवर्स को बहुत आराम से एक ही चुटकी में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड रिक्रिएट कर सकता है, बिकॉज वो एक नाइ ओमनीपोटेंट बींग है एंड उसके पास रियलिटी रैपिंग जैसी बड़ी पावर्स भी आती है। बट
इसका ओपोनेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि अल्टीमेट एलियन एक्स। ये एलियन एक्स नहीं है भाई, ये उसका पावरफुल फॉर्म है। अल्टीमेट एलियन एक्स एक ओमनिवर्सल बीइंग है, लाइक इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे ओमनिवर्स को सिर्फ एक चुटकी में खत्म करके उसको वापस रिक्रिएट कर सकता है। इसकी रियलिटी रैपिंग ओमनिवर्सल लेवल की है। अल्टीमेट एलियन एक्स अपने बेस अटैक से ही पूरे मल्टीवर्स को ऐसे चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। अल्टीमेट एलियन एक्स एक प्योर ओमनिपोटेंट ओमनिप्रेजेंट एंड ओमनिसिएंट बीइंग है एंड ट्रू इमोर्टल बन चुका है। और अगर हम आर्कन को अल्टीमेट एलियन एक्स के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहां पर बैटल का विनर अल्टीमेट एलियन एक्स है, जस्ट बिकॉज अल्टीमेट एलियन एक्स एक ओमनिपोटेंट बीइंग है एंड डेफिनेटली वो आर्कन को एक चुटकी में ही खत्म भी कर सकता है। और हाँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन से इस बैटल का विनर तो डेफिनेटली अल्टीमेट एलियन एक्स है, बिकॉज वो एक अभी प्योर ओमनिपोटेंट एंड डेफिनेटली प्योर ओमनिपोटेंट है, तो उसके पास हर एक पावर होगी जो वो सोचेगा। एंड हाँ, इस बैटल का विनर वही है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों के ओपिनियन से कोई और इस बैटल का विनर हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट बैटल में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।